रही है कि मैं पूजा करने जा रही थी, आज नागपंचमी है, और जैसे ही किसी ने बताया कि तुम आज यहाँ पूजा कर रही हो और तुम्हारे घर में भोले के जो पुजारी है जो गले में पकड़े रहते हैं नाग, जो भोले के गले को शोभा पहुँचाते हैं, वो आपके घर में आ चुके हैं। हमें सूचना मिली और हम भी तुरंत चल दिए, देखते हैं कैसा है, कोशिश करें जब पकड़ कर उसके प्राकृतिक बात छोड़ने की। नागपंचमी की आप सबको बधाई। आँख आज सांप की सूचना से खुली, अब पता नहीं कहाँ बैठा है सांप है क्या है, बताया तो ये क्या है। उधर से उस तरफ से उधर से साथियों देखिए नागपंचमी और ये हमारी स्पेक्टर कोबरा वाकई में और ताई जो घंटे बजा रहे थे, सांप आ गए तो ताई भी भागी भागी फिर रही। पहले मंदिर में गई, सांप का पता तो लग गया था, मगर हाथ जोड़ा बाबा जी का। वैसे दूध नहीं पीता, अगर कोई पिलाना चाहे तो पिला दो, दूध इधर हो क्या ना कर लो, दूध पीता नहीं पिला, पिला दो थोड़ा बहुत, अगर पिला रहे हो तो पिला दो, दूध पिला दो एकदम। वो जो आप बोल रहे हो इंस्पेक्टर कोबरा, ये इसके पीछे देखो ना, असली कोबरा है।
पिछड़े इंसान को चाय नहीं पिलाते साथियों, ये दूध नहीं पीता, अगर दूध पिएगा इसको नमोनिया बुखार उल्टी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हजम करने का जो एंजाइम होते हैं इसमें नहीं होता, दूध बहुत ज्यादा मोटा होता है। परंतु फिर भी हमारी ताई कह रही है कि मेरे घर में आया है, मेरा है गाय का, और मैं अपने मतलब साथ तुम्हारा ही है ना। आज नागपंचमी देखिए, लोग कहते हैं दूध, ये देखिए दूध नहीं पिएगा, परंतु फिर भी एक लोगों की पी नहीं रहे खड़े हो मना करा है। ये तो दूध नहीं पीता, ये देखिए किसी को लगता है कि दूध पीता है, देखिए दूध नहीं पीता, ये देखो तुम बहुत किस्मत वाले हो, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए। ये देखो ना, मैं तो अपना मंदिर में चली गई थी, सबका लेकिन ये साक्षात है, असली है, ये जो तुम्हें दर्शन दिया तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये देखो भाई, नुकसान भी पहुँचा सकते, कितने जनों को दर्शन दिए, बिल्कुल कुछ भी है, सबको दर्शन दे दिए। भोले बाबा के नाम का कीर्तन करो, साक्षात और कुछ नहीं। इतने फोन करे बबलू का सालार गुजार खड़े करोने चढ़ते हुए सभी को। आज हमारे घर पे नाग निकल गया था, सांप निकल गया था छत पे, हमने पहले अंकल को बुलाया और उनसे निकलवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बहुत डर गए थे, उनका बहुत धन्यवाद। साथियों सभी सनातन धर्म प्रेमियों को नाग पंचमी की बधाई। और ये आप देखिए, पत्थर के सांप को सब पूछते हैं, जब सबका सांप सामने आता है तो लटने के मारने के लिए दौड़ते हैं। बस उसके प्राकृतिक वहाँ छोड़ रहा हूँ, और ये सामने बाम्बी है, कोशिश करेंगे इसको इस पर बैठाने की। घर कहा जाता है, छोड़ रहा हूँ। लोग इन्हीं बामियों पर दूध मीठा और चने चढ़ाते हैं, और हमने यहाँ पर एक नाग का जीवन बचाकर उसको सुरक्षित यहाँ छोड़ दिया गया। पत्थर के सांप को सब पूछते हैं, जब सामने सांप आ जाता है तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु एक आज समाज में बहुत अच्छी जागरूकता आ गई है,
कि लोगों के पास हमारे नंबर हैं या वन विभाग के नंबर हैं या और भी लोग हैं, इसको रेस्क्यू करते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा लगता है कि प्राकृतिक जीव है। इसके कारण ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता, जिसको ये ख़त्म करता है। चूहा, मेंढक, कौवा, चिड़िया, कौवा, तोता जो किसानों का जो नुकसान पहुँचाते हैं उसको तो ख़त्म करता है। जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं उनको भी ये भक्षण करता है और प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है।